नमस्कार इंडिया में आपका स्वागत है। बिगिनिंग बलिया देरिया विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में भव्य तरीके से सामूहिक विवाह हुआ। उत्तर प्रदेश बलिया ने दोकटी बलिया क्षेत्र के श्रीपालपुर में स्थित खपड़िया बाबा आश्रम में बुधवार को सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त, जिलाधिकारी भवानी सिंह खगारो, एसपी देवेंद्र नाथ और विधायक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व प्रदान में मुख्यमंत्री गरीब कन्याओं सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आज सर कैसा कार्यक्रम है आपके क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में कैसा कार्यक्रम है आपके यहाँ? आप ये पूछ रहे हैं, मानवीय जीवन का एक जग है, मानव जग है, जहाँ इंसान बेटी के शादी के लिए संकट में रहता है, उस इंसान के संकट को दूर करने वाला जग है। यह वह काम है जहाँ मानवता तार तार होती है दहेज के लिए, उस मानवतावादी युग के लिए एक नया संदेश है। यह वह काम है जहाँ बेटियों की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं रहती है अभाव में, धनाभाव में, उस बेटियों की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने वाला काम है। यह वह काम है जहाँ बेटियाँ अपने जीवन को एक मांगलिक रूप में बदलने की प्रयास करती हैं और पिता का दरिद्रता, पिता की गरीबी उसको इस अवसर को प्रदान करने में सक्षम नहीं होती है, तो वो सक्षम बनाने वाला काम जी। आज आपके यहाँ कितनी शादियाँ हुई जो आज? 191। दहेज के मामले में आज अधिकतम लोग जो घरेलू हिंसा की वजह से जेल जाते हैं, उनके पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, सच पूछिए तो दहेज उत्पीड़न, आज दहेज उत्पीड़न नहीं रह गया है, दहेज उत्पीड़न भी फर्जी इंसान को परेशान करने का एक माध्यम बन गया है। अब पहले की स्थिति नहीं है, अब आजकल के युग में दहेज तो इससे कम लोग ले भी रहे हैं, लेकिन किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, विवाद के कारण परिवार में, कलह के कारण परिवार में असमंजस की स्थिति पैदा होने के कारण, समन्वय न होने के कारण कोई दुखी होकर के भले वो कर ले, आत्महत्या कर ले, बात कर लगे, लेकिन अब दहेज तो लगभग आप योगी जी जैसे नेता और पूज्य मोदी जी जैसे नेता जैसा जिस धरती पर पैदा हो चुके हैं महाराज, वहाँ अब बेटी समस्या नहीं रहेगी, बेटी संसार की एक साधन बनकर के रहेगी जो दुनिया उसको सलाम करेगी। आज बेटियों की सुरक्षा के विषय में आप बात करते हैं। देखिए, बेटियों की सुरक्षा यदि मोदी और योगी के जमाने में नहीं होगा तो कभी नहीं। मैं एक जरूर कहता हूँ, सभी अभिभावकों से भी प्रार्थना करता हूँ कि बेटी और महिला को सशक्तिकरण के नाम पर निर्वस्त्रीकरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो देश में यदि इस पर दुर्बल स्थिति होगी तो कोई भी शासक होगा इस पर नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान की हत्या राम के नाम पर नहीं होनी चाहिए, ये शुद्ध रूप से ऐसे लोग इंसान नहीं है, शैतान है, मैं नहीं कह सकता। राम कभी भी बराम महाराज राम की मर्यादा आप ध्यान में रखेंगे तो गिद्ध जटायु को जो है, गिद्धराज जटायु को भी गोदी में लेकर के जिस व्यक्ति ने मानवता की का पताका फहराया, उसके नाम पर हत्या करना इस शैतान का कहीं काम हो सकता है, इंसान का काम हो सकता है? देखिए, इंसान में आज आप व्यक्ति होंगे, इंसान में ही शैतान होते हैं, इंसान में ही इंसान होते हैं, इंसान में ही महान होते हैं और इंसान में ही भगवान भी होते हैं। तो शैतानों की दवा दंड है, तो उसमें हमारे योगी जी और मोदी जी बिल्कुल सक्रिय हैं, पीछे नहीं। रही बात यह कि बेखौफ कोई नहीं है, आज अपराधी डरे हुए हैं। यह जरूर है कि जो समाज में आजकल नशा का प्रचलन है, पत्रकार जी, नशा करने वाला शराबी व्यक्ति अपना विवेक शून्य हो जाता है, विवेक खो चुका होता है और विवेक शून्यता की स्थिति में वो कुछ भी कर देता है। तो शराबियों से बचने का एक जरूर एक उपाय यह है, या तो शराब बंद किया जाए पूरे देश में, और इस मामले में मैं कह सकता हूं कि गुजरात में जब बंद हो सकता है, बिहार में बंद हो सकता है, तो क्या प्रदेश में नहीं हो सकता है? उसकी पहल आप कब से स्टार्ट कर? मैं तो जरूर कह सकता हूं कि पूरे देश से शराब बंद हो जाना चाहिए, अपराध का ग्राफ उसी दिन घट जाए। प्रतिपक्ष के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ रामराज दिखावा है, टोटली तौर से ये सरकार का संरक्षण मौजूद है, इन लोगों को मौजूद है जो लोग ऐसे कृत्य कार्य कर रहे हैं। देखिए, वो लोग क्यों नहीं कहेंगे, ऐसे लोग जिनका जो है चरित्र ही और चिंतन ही गंदा हो, वो लोग सूर्य पर क्या रोशनी दिखाने की बात करेंगे? उन सबों को कुछ भी कहने का अधिकार इसलिए नहीं है। मायावती और मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग यदि चरित्र की शिक्षा दें तो मेरे समझ से जो है वैसा ही होगा कि बिल्कुल जो है सूर्य पूरब में नहीं पश्चिम में उगता है। अभी इतना सत्य, अभी परिवारवाद में आपने देखा कि मायावती जी ने अपने भाई को, अपने भतीजे को एक जगह दी। परिवारवाद की आप बात करते हैं, शुद्ध रूप से वो जो है
वो शुद्ध रूप से पैसावादी है और पैसे को संरक्षण करने का सबसे नियरेस्ट संबंध कुछ होता है तो परिवार का होता है, तो दूसरे को क्यों देंगे, वो दूसरे को देंगे, वो तो अपने को सुश्री जी कहती हैं, लेकिन सुश्री जी कितना सुश्री जी हैं और परिवार का संरक्षण करती हैं, परिवार के लिए पैसा कितना कमाती हैं, शायद वैवाहिक जीवन भी व्यतीत करने वाला व्यक्ति अपना परिवार के प्रति इतना चिंतित नहीं होगा जितना कोई चिंता करे। बताइए एक बहुत अच्छी बात लास्ट में मैं आपसे करूँगा, अभी आपने अपने संबोधन में ये कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक छोटा व्यक्ति बोची जो है वो मुझे अंतिम यात्रा के समय मेरे साथ हो, तो ऐसी भावना और नेताओं में क्यों नहीं पैदा हो रही है? देखिए मेरे भाई जयदीप जी, जिस समाज का समाजसेवी और शिक्षक और अधिकारी भ्रष्ट हो जाता है उस समाज को पतित होने से कोई रोकने वाला नहीं होता, पूरा समाज पतित हो जाता है। इन तीनों से समाज नकल करता है, शिक्षक से, समाजसेवी से, संत से और अधिकारी से, चारों से नकल करता है। और इंसानों की जिम्मेदारी है कि ईश्वर को, यदि हिंदू है तो ईश्वर को साक्षी मानकर, मुसलमान है तो अल्लाह को साक्षी मानकर, ईसाई है तो यीशु को साक्षी मानकर, और उनके उपस्थिति में यह मान करके कि हर जगह उपस्थित है, और तब काम करेगा तो कल का संसार, कल का परिवार से लेकर के संसार सुंदरतम बन जाएगा, इसमें सोचने की बात। सर आप संत की बात कर रहे हैं, अभी श्री राम के नाम पे एक हत्या कर दी जाती है सर।